बीजेपी का मैनिफेस्टो नई दिशा दिखा रहा है, वो हमारे अंदर जो है वो कुछ आशाएं कुछ जागृत कर रहा है। पुरानी चीज की गरीबी हटाव वाली बात, अब वो उसी पे कब तक उसे चलती रहेगी, देश आगे बढ़ चुका है उससे। अब कहना बहुत आसान है कि हम 16 करोड़ लोगों को औरतों को नौकरी दे देंगे वगैरह, मगर वो चीज़ें इस तरह से होती नहीं है। ये चीज़ें जो असल मुद्दा है हमारे देश के सामने वो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, वो है नई नई नौकरियां और जनरेट करने का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, वो जो अपने अलग सेक्टर्स को और बढ़ोतरी से करना और हमारे निर्यात को बढ़ाने का। बीजेपी का मैनिफेस्टो नई दिशा दिखा रहा है, वो हमारे अंदर जो है वो कुछ आशाएं कुछ जागृत कर रहा है, वो कह रहा है कि कैसे भारत जो है वो आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, देशों के अग्रगणीय लोगों में होगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोई ऐसा सुझाव है नहीं जहां तक मुझे लगता है, जिससे कि ये लगे कि हम लोग तरक्की के रास्ते पर हैं, हम लोग जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने वाले हैं। उस तरह की बात करने में शायद उनको हिचक आती है, और वो ज्यादातर बात फिर वो यही करते हैं कि कैसे जो है वो बांटा कैसे जाए, कैसे लोगों को करा जाए वगैरह, मतलब वो पुरानी चीज की गरीबी हटाव वाली बात, अब वो उसी पे कब तक उसे चलती रहेगी, देश आगे बढ़ चुका है उससे। अब सर राहुल गांधी ने आज एक बयान दिया है, जब आप पॉपुलिस्ट मेजर की बात कर रहे हैं कि किसी से लेके व्यर्थ लेकर लोगों में बांट दी जाए, आज उन्होंने बोला है कि मोदी जी ने 22 लोगों को सारी व्यर्थ दे दी है और हमारी सरकार आएगी 16 लाख करोड़ रुपए में दी है, हमारी सरकार आएगी तो हम जो है गरीबों को 1 लाख रुपए की सैलरी दे सकते हैं, 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं, इस तरह की बात उन्होंने करी है। पता नहीं क्या मैं क्या कहूँ उसमें, मुझे ये तो मुझे टिप्पणी युक्त बात भी नहीं लग रही, इसलिए कोई कहने की इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि या तो वो उसको उसके कुछ आंकड़े दें असली कि मतलब किस बिना पे किस बेसिस पे किस तथ्य के साथ वो कह रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि फिर ये कहना बहुत आसान है कि हम 16 करोड़ लोगों को औरतों को नौकरी दे देंगे वगैरह, मगर वो चीज़ें इस तरह से होती नहीं है ये चीज़ें। और ये जो 16 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है, वो हो सकता है कि एक टेबल आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जिसमें होता है कि एक वो टेबल कि कितना टैक्स बचा या कितना टैक्स नहीं दिया गया उसका कोई आंकड़ा देते हैं, उसमें अधिकांश वो होता है जो कि लोग निर्यात करते हैं उनका टैक्स माफ होता है, उसमें वो शामिल होता है और उसी को जोड़ लिया है, तो अगर वो हट जाए एक्सपोर्ट सब तो निर्यात बंद हो जाएंगे, तो क्या वो ये क्या फिजिबल चीज़ है, क्या मतलब ऐसा हो सकता है? तो ये थोड़ा सा बेसैर पैर की बात है, थोड़ा सा नहीं बेसैर पैर की बात है। एक सर एक अभी नए सैम पित्रोदा जो इकोनॉमिस्ट भी हैं और कांग्रेस के ओवरसीज कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि हेरिटेज टैक्स को लेकर जैसे यूएस में हेरिटेज टैक्स वैसे ही इंडिया जैसे उसमें होना चाहिए, उनके बयान पे जो है पूरा आज जो घमासान मच गया पॉलिटिकल, लेकिन एज ए इकोनॉमिस्ट सर आपकी बात जो है देश की अर्थशास्त्री सरकार भी अच्छा सुनती है, आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? देखिए ये बात आज नई नहीं है, बहुत जमाने से इसके बारे में बातचीत चल रही है। एक जमाने में आपको याद होगा कि वेल्थ टैक्स लगता था जो कि बहुत हाई था, फिर दूसरी बात बहुत बार बात चली कि स्टेट ड्यूटी लगे, हेरिडिटरी टैक्स वगैरह लगे, इस तरह की बात हुई है, और ये जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और हमेशा बात ये होती है कि हम अमीरों से पैसा लेकर किसी तरह से और वो जो है वो हम गरीबों में इसको बांटने का इस्तेमाल करेंगे। ये कहना बड़ा आसान होता है, मगर इसमें बात यह है कि इससे जो असल मुद्दा है हमारे देश के सामने वो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, वो है नई नई नौकरियां और जनरेट करने का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, वो जो अपने अलग सेक्टर्स को और बढ़ोतरी से करना और हमारे निर्यात को बढ़ाने का। इससे इस सबका कुछ लेना देना बनता ही नहीं है, बल्कि ये हो जाएगा कि जो लोग हमारे निवेशक हैं, जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें एक हतोत्साहित बात आएगी कि भाई जो भी कुछ करो वो सरकार ले जाएगी। इसी तो इस तरह से बात करना मेरे ख्याल में वो देश की हित में नहीं है, देश के लोगों के हित में भी नहीं, ये एक भुलावा देने की बात है कि देखो हम अमीर लेके तुम्हें दे देंगे, तो जिसको कहते ना वो पॉपुलिज्म या या या
जिसको क्या कहा जाए वो वोट बैंक वाली बात, वो उस तरह की बात है। ये पुरानी आदत रही है कुछ लोगों की प्लानिंग कमीशन के जमाने में। सैम पिट्रोडा प्लानिंग कमीशन में भी थे, नेशनल इनोवेटिव इनोवेशन काउंसिल के हेड थे, कुछ नहीं किया। अभी हम लोगों ने नीति आयोग में अपना जो बनाया अटल इनोवेशन मिशन, उसमें कम से कम 10,000 स्कूलों में टिंकरिंग लैब लगा लिए हमने, हमने जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर खोल लिए। वो बातें करने की होती है। अब आप ये कहें कि हम इनोवेशन करने के लिए अच्छे स्कूलों में भी गरीब लोगों को रहेंगे तो उससे इनोवेशन हो जाएगा, आप करो, मगर उससे तो नहीं होगा ना। तो बात इस समय हमारे सामने मुद्दा है कि हम अर्थव्यवस्था की गति को कैसे बढ़ाएं। 7% अगर चल रही है तो 8 कैसे करें, 9 कैसे करें, 10 कैसे करें, उस पर बात होना चाहिए ना।